वेलकम वेलकम रूबी की किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट खतरनाक से तंदूरी नान पॉकेट्स बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो झटपट बनाएंगे और खतरनाक सा बनाएंगे। सबसे पहले देखें, हमारे पास यहाँ कोयला है, चारकोल, उसका चूल्हा ऑन कर देते हैं। और यहाँ हमारे पास एक पैन है, वो प्री हीट हो रहा है, फ्लेम हमारी मीडियम पे है। तो इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट। अगर आप इसकी जगह चाहें तो कुटा हुआ या हाथ से कटा हुआ भी डाल सकते हैं। बस इसे हम 20 सेकंड ही सॉटे करेंगे और इसमें डाल देंगे 4 टेबलस्पून ऑमलेट कट अनियन। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक। अब आ जाते हैं हम अपने मैदे पे। तो यहाँ देखिए हमारे पास मैदा है जो कि लेवल 2.5 कप मेजर किया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और यहाँ हमारे पास देखें 3/4 कप दूध है जो क्या है रूम टेम्परेचर। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर लेवल्ड। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून तेल, 1 टेबलस्पून शक्कर और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अनियन को देख लेते हैं, देखिए सॉफ्ट हो रही है। इस पॉइंट पर हम डाल देंगे इसमें 4 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी और साथ ही कुछ मसाले डाल देंगे जो कि कुछ यूं है, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। ये सब चला जाएगा इसमें और इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। ये देखें हमारा बड़ा अच्छा सा फिस सा हो गया है। तो नमक को मैदे में अच्छे से मिला लेंगे और ये मिक्सचर जो है वो डाल देंगे इसमें। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून दही, क्योंकि नान पॉकेट्स है ना तो दही तो होना चाहिए भाई इसमें। और अब इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे। चलें अब इसे हम 2 मिनट कवर करके रखते हैं आटे को इसी पोजीशन में और आ जाएंगे अपने मसाले की तरफ। तो मसाला देखें अच्छे से भुन गया है। तो इसमें अब हम डालेंगे भर के 2 टेबलस्पून दही, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे हमारे पास यहाँ बॉयल की हुई श्रेडेड जो है चिकन है, जिसे नमक डाल के सिर्फ उबाल लिया था तो चिकन का नमक जो है वो बॉयल करते हुए चला गया था। तो इसे अब हम डाल देंगे, चिकन हमारी भर के 2 कप है। तो बस 2-3 मिनट अच्छे से मसाले को और चिकन को भून लेंगे। देखिए चिकन जो है हमारी 2-3 मिनट हुए, बड़े अच्छे से हमने भून लिए। तब इस पॉइंट पर हम इसे धुआं देंगे। तो धुआं देने के लिए कोई भी प्याली ले लें, कोई रोटी का टुकड़ा ले लें, फॉइल पेपर ले लें, वो इस तरह से सेंटर में रखेंगे और कोयले को डालेंगे सेंटर में। कुछ बूंदे टपका देंगे तेल की और इसको कवर कर देंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे। और आ जाते हैं हम अपने आटे की तरफ। अब
ग्लव्स पहनेंगे और आटे को अच्छे से गूंद लेंगे। देखिए ये इस तरह से कर देने से हमें आधी मेहनत करनी पड़ी, आटे ने आधा काम कर दिया, वो खुद ही सॉफ्ट हो गया, पड़े पड़े एक दूसरे से बहुत मोहब्बतें हो गई ड्राई फ्लावर को गीले फ्लावर को। अब ये देखिए कितना फास्ट और क्विक जो है वो टुगेदर हो गया। तो बस इसको एक दो मिनट के लिए गूंद लेंगे। अब ये जो दो बूंदे तीन बूंदे जो भी बची है तेल की वो इसमें डाल देंगे और इसको 30 सेकेंड और गूंद लेंगे। चले अब इसको रेस्ट करने देते हैं 10 मिनट्स और अब हम इसका चारकोल भी निकाल लेते हैं। खुशबू इनफ हो गई है अच्छी सी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये ठंडा होता है और आटा रेस्ट करता है उसके बाद मिलते हैं। देखिए 15 मिनट के करीब हो गए हैं, आमेजा जो है ऑलमोस्ट हमारा ठंडा हो गया और यहाँ हमारा आटा सेट हो गया है। तो चले आटे को बाहर निकालते हैं, इसको एक दफ़ा यूँ गूंद लेते हैं। वाओ क्या सॉफ्ट एंड खूबसूरत आटा है। तो बस इसके छोटे छोटे बॉल्स तोड़ लेते हैं इस तरह के। तो ये देखिए छोटे छोटे बॉल्स तोड़ दिए और अब इनको थोड़ा सा गोल करके यूँ रखते जाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने 15 छोटे छोटे बॉल्स बना दिए और अब इसको थोड़ा सा हम फ्लैट करेंगे हाथों से इस तरह से। किनारे ज़्यादा फ्लैट कर देंगे और सेंटर वाला फिर भी थोड़ा सा रख सकते हैं, थोड़ा सा पानी वाला हाथ भी कर सकते हैं फैलाने के लिए। तो बस इसी तरह से सारी छोटी छोटी रोटियां बना लेंगे, अगर आप चाहें तो बेल भी सकते हैं। ये देखिए हमारी लास्ट भी हो गई। तो बस अब फिलिंग लेंगे दो दो टेबलस्पून के आसपास और भरने लगेंगे यहाँ सेंटर में देखें इस तरह से। चले अब इसे हम रैप करते हैं। तो रैप करने के लिए हमें यहाँ से डो को यूँ इस तरह से खींचना है, चिपका देना है इसको यहाँ और अब ये वाला पोर्शन खींचेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे। चौड़ा करने के बाद इसको इस पे चिपका देंगे, यहाँ से भी चौड़ा करेंगे और इसको इस पे चिपका देंगे। ये पॉकेट हमारा रेडी हो गया है ना। तो बस इस तरह से सारे रेडी कर लेंगे। यहाँ देखिए हमारे पास श्रेडेड मोज़रेला चीज़ है तो कुछ चीज़ वाले भी बना लेंगे। ये देखिए हमारा लास्ट भी हो गया और यहाँ हमने दो पैन रखे हुए हैं, इसका चूल्हा ऑन करते हैं बिल्कुल लो पर रखते हैं और अराउंड 2 टीस्पून के आसपास तेल डालेंगे और ये अपने पॉकेट्स डालना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ वाले सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं और अब इसे हम कवर कर देते हैं। सेम इसी तरह दूसरा पैन भी लेते हैं, उसका भी चूल्हा बिल्कुल लो ऑन करते हैं, इसमें 2 टीस्पून तेल डालेंगे और सेम इसी तरह ये वाले रख देंगे। सीम साइड डाउन रखेंगे और इसे भी कवर कर देंगे और कुक करेंगे अराउंड 6 मिनट। 6 मिनट के बाद देखेंगे नीचे लग कैसा रहा है। 6 मिनट के आसपास हो गए हैं, देखते हैं कि नीचे से कैसे लग रहे हैं। ये देखें एक तरफ से हो गए हैं, इसको पलट देते हैं।
और अब 5 मिनट इस साइड पे रखेंगे और इसको देख लेते हैं। इसे भी कवर कर देते हैं और इसे भी कुक करेंगे 5 मिनट्स। देखिए अनदर 5 मिनट्स हो गए हैं। अब दोनों चूल्हे को करते हैं बंद। और अब इनको पोजीशन को टर्न कर देते हैं। ये वाली ले आएंगे। हाँ, क्या सॉफ्ट सॉफ्ट बाउंसी बाउंसी है। सेम इसी तरह से इसको भी कर देंगे। और यहाँ देखिए हमारे पास बटर है 2 टेबलस्पून, मेरा अनसॉल्टेड है तो इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और हरा धनिया चॉप किया हुआ, ये डाल देंगे अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास और अच्छे से मिला लेंगे। तो अब इससे ब्रश करेंगे। सेम इसी तरह इस पे भी कर देंगे और अब डिश आउट करेंगे। आप लोग किसी चीज से लीजिएगा, काफी गर्म है लेकिन मैं बड़ी यूज्ड टू हूं इसलिए मैं इस तरह ले रही हूं। ये हमारे बिना चीज के हो गए और ये चीज वाले। तो देखा कैसे झटपट हमारे खतरनाक से चिकन तंदूरी नान पॉकेट्स बन गए, मानते? और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसे रहे। कातिलाना खतरनाक। क्या सॉफ्टनेस है, देखें पूरा मुट्ठी में आ जाए ऐसा है। सो फ्लफी और सो यमी। खुशबुएं खतरनाक, जायका खतरनाक। आप लोग बनाएंगे तो पागल शागल हो जाएंगे। ये आप लोग के लिए। अगर आप लोगों ने नहीं खाया ना तो मैं दुख के मारे मर जाऊंगी कि इतना अच्छा मेरे प्यारे व्यूवर्स ने नहीं बनाया और नहीं खाया। एक दफा खाएंगे बार बार बनाएंगे। मजे की बात यह है कि जैसे कच्चा डो वाला जो था ना, वो भी हम फ्रीज कर सकते हैं सेपरेट सेपरेट और बाहर निकाल के जब थॉ हो जाए तब आप सेम प्रोसेस कर सकते हैं। अब बिल्कुल लाइटली बेक करके भी रखा जा सकता है, लेकिन बनाएंगे तब पता चल जाएगा। तो चले जल्दी जल्दी जाएं बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ दुआओं में, याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।